गोंडा से बड़ी खबर, आजादी के 76 साल बाद दलित छात्राओं के साथ भेदभाव छुआछूत। दलित छात्रा कुमारी सोनिया को पढ़ाने से किया मना, स्कूल से भगाया टीचर पूजा सिंह। दलित छात्राओं को नहीं पढ़ाती टीचर पूजा सिंह, परिजनों का आरोप। पूजा सिंह जात सूचक गालियां देकर स्कूल से भगाया, कर्नलगंज के टेगनाहा प्राइमरी स्कूल का मामला। तो गोंडा से बड़ी खबर आ रही है, दलित छात्रा कुमारी सोनिया को पढ़ने से किया गया मना, स्कूल से भगाया गया। आजादी के 76 साल बाद भी दलित छात्राओं के साथ छुआछूत भेदभाव का बन रही है शिकार। इस समय हमारे साथ गोंडा से पीड़ित छात्रा के मामा जुड़ गए हैं। क्या है ये पूरा मामला? ये सर मामला ये है कि द्रोह काल पे जो स्वाति लड़की है, वो उसको 3 महीना से पूजा में वहाँ से कहा कि हम समाज जात को नहीं पढ़ाएंगे। उनके मम्मी ने जा रही है स्कूल में तो उनको गाली भद्दिया भद्दिया देती है, कहा कि ज्यादा बोलो कि आपको मारेंगे। उसके बाद उनके पापा जाते हैं मौके पर, उनको बताती हैं, वो बोलते हैं कुछ कि मैम हमारी लड़की को पढ़ाइए, आप कोई दिक्कत है तो बताइए। वो मैम कहती है आप ज्यादा बोलोगे 112 पे फोन करके आपको लदवा देंगे। अच्छा, क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत कुछ अधिकारियों से किया तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हुई सर, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। जहाँ पे यहाँ पे प्रधान ने जबरदस्ती अंगूठा हमारे सिस्टर की लगवा ली है कि आप ज्यादा बोलोगे आपको मारे पीटेंगे, धमकी दे रहे हैं सर। तो क्या अभी जो पीड़ित छात्रा कुमारी सोनिया वो पढ़ने जाती है स्कूल में कि अभी नहीं जाती है? नहीं जा रही है सर। तो देख सकते हैं पीड़ित छात्रा कुमारी सोनिया को 3 महीने से स्कूल जाने में पाबंदी लगा दिया गया। वही कुमारी सोनिया कक्षा 5 की छात्रा है और उसको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। आजादी के 76 साल बाद भी दलित छात्राओं के साथ भेदभाव। सर ये आप देखती है थोड़ा, लेकिन ये इसको मैंने मैडम जी से जो कहा कि आप बच्चा क्यों भगा दिया जाता है, इसको बताया जाए 15 दिन 10 दिन इसको बताया जाए तो कहते हैं आपके बच्चे को हम पसंद नहीं करते। 6 घंटे मेरे होते हैं, 18 घंटे आपके होते हैं, ज़्यादा 3-5 करोगे तो 100 नंबर बुलाएंगे, आपको लगवा देंगे। हाँ मैडम ऐसा कहते हैं। हाँ और कहती हैं जो एक दो आदमी कह कहो तो कहती हैं हमारे को मैडम जी, हम मैडम जी को मारने आया है। हाँ अच्छा, वीडियो आया है मेरे सामने। मैंने जो है बीओ मुख्यालय को कहा है कि पता करके किस ब्लॉक का और किस विद्यालय का वहाँ के अध्यापक को बुलाया, जांच करा के कार्रवाई करेंगे अगर ऐसी कोई बात। ये प्राथमिक विद्यालय टेंगराहा का मामला है तो अभी हमने बुलवाया है उनको, देखते हैं अगर शिकायत सही है तो कार्रवाई निश्चित की जाएगी। हाँ उसमें नाम लिया जा रहा है कि कोई पूजा मैम है, वो कहती हैं कि यहाँ मत बैठो दूसरे क्लास में जाकर बैठो, तो अगर सच में ऐसा किया जा रहा है तो निश्चित कार्रवाई की जाएगी। बच्ची का जो वीडियो आया है उसमें यही कहा जा रहा है कि पूजा मैम है, वो कहती हैं कि यहाँ मत बैठो जाके दूसरी क्लास में बैठो, यहाँ मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी, ऐसा कहा जा रहा है वीडियो में बच्ची के द्वारा। और क्या मामला है, पूरा क्या मामला है, क्या प्रकरण है, ये हम लोग जाँच करा लेंगे अभी।